दारू प्रसार और तस्करी के लिए कुख्यात पाकिस्तान एक बार फिर इसे लेकर चर्चे में है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रिजेप तैयब अर्दोगान ने हाल ही में एक बैठक के दौरान परमाणु हथियार बनाने की इच्छा जाहिर की थी। अर्दोगान ने कहा था कि कुछ देशों के पास परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलें हैं, हमारे पास वह नहीं हो सकता, इसे मैं मंजूर नहीं कर सकता। अर्दोगान के इसी बयान के बाद अमेरिका में हलचल तेज हो गई है और पाकिस्तान कई सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल यह मामला साल 2004 का है। उसी दौरान पाकिस्तान मूल के कादिर खान ने परमाणु तस्करी को अंजाम दिया था और सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार भी किया था कि उन्होंने कुछ देशों को परमाणु तकनीक बेची है और उसका अवैध निर्यात किया है। अब्दुल कादिर के इसी कारनामे से पाक सवालों के घेरे में है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तुर्की पहले ही बम बनाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है, यूरेनियम का भंडार जमा किया हुआ है और रिएक्टरों से जुड़े रिसर्च कर रहा है। तुर्की का दुनिया के कुख्यात कालाबाजारी पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान के साथ रहस्यमय समझौता है। इस रिपोर्ट में साफ साफ पाकिस्तान द्वारा 15 साल पहले किए गए परमाणु तस्करी का जिक्र है। माना जा रहा है कि परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान तुर्की की सहायता कर सकता है। इसी को लेकर डेढ़ दशक बाद का यह मामला फिर से गर्मा गया है। आपको बता दें कि तुर्की के परमाणु बम बनाने की यह खबर ऐसे समय में आई है जब उत्तर सीरिया में उसके हमले जारी हैं और कुर्दों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका चिंतित है। 3 खबर अपडेट।